हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दीपक सोनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चमसिला और टाइम हो रहा है अभी बज के 5:30। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ के सुंदर नज़ारे। ये आप जो नज़ारे देख रहे हैं ये 13,600 फीट की ऊंचाई पे हैं, जहाँ से बहुत ही सुंदर सुंदर बर्फीली चोटियाँ नज़र आ रही हैं। ये तुंगनाथ से ऊपर 1.5 से 2 घंटे का ट्रैक करके जाना पड़ता है चमसिला, जहाँ पे चंद्रदेव को 6 रोग के बाद उन्होंने यहाँ उससे मुक्ति के लिए तपस्या की थी। हम इन्हीं रास्तों से ट्रैक करके चमसिला के लिए गए थे और सुबह हम लोगों ने ट्रैक स्टार्ट किया था 4 बजे, काफ़ी अंधेरा था। तीर्थ केदार बाबा तुंगनाथ के दर्शन करके वापस चोपता आ गए हैं। अब यहाँ से अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो बने रहिए ऐसे ही। तो हमारी रुद्रा अपने आगे के सफ़र के लिए तैयार हो चुकी है, सारा लगेज बन चुका है, तो और हम लोग जा रहे हैं अब अपनी आगे की यात्रा के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, तो मिलते हैं GoPro पे आपसे। हेलो गाइस, तो हम लोग की आगे की राइड स्टार्ट हो चुकी है और हम जा रहे हैं अब अपने पंचम केदार बाबा कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, क्योंकि हमारा चतुर्थ केदार इस राइड में अब की रह गया है किन्हीं कारणों से, तो जिसे हम अपने नेक्स्ट राइड में करेंगे। तो चलिए चलते हैं कल्पेश्वर महादेव की यात्रा के लिए कल्पेश्वर धाम। तो वीडियो में ऐसे बने रहिए और रास्ते के सुंदर नज़ारे देखिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो हम लोग अपनी राइड में कल्पेश्वर से अभी 40 किलोमीटर दूर है।
जो कि गंगोत्री धाम से लेकर आ रही है और हम लोग जा रहे हैं बाबा कल्पेश्वर महादेव की पंच केदार में अंतिम केदार हैं, उनके दर्शन को बाबा कल्पेश्वर महादेव का रास्ता बहुत ही अभी ख़राब है, इस पे काम चल रहा है और इस रास्ते पे बहुत ही टर्न है, मतलब लगातार हम लोग 10 से 12 टर्न लेके आज का रास्ता पूरा ऑफ रोड है। हर हर महादेव। के पोलियो हो गया
ऊपर ही होगा। फाइनली बहुत सारा ऑफरोड करने के बाद सही रोड। और ये हमारी वाटर क्रॉसिंग, जल्दी आपको बाबा कल्पेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन कराते हैं। तो फाइनली हम लोग बाबा कल्पेश्वर महादेव के मंदिर को पहुंच चुके हैं। वो है ऊपर बाबा कल्पेश्वर महादेव का मंदिर और साथ ही बगल में बहुत ही प्यारा सा झरना। और ये हमारे भैया जी हैं। कैसा रहा रास्ता? बहुत ही खतरनाक था लेकिन ठीक था। हेलो, तो चलिए आपको भी कराते हैं बाबा कल्पेश्वर महादेव के दर्शन। वीडियो में ऐसे बने रहिए। तो फाइनली हम लोग बाबा कल्पेश्वर महादेव के मंदिर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बाबा महादेव अपनी जटाओं के रूप में विराजमान हैं। आप कर रहे हैं बाबा कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन। अंदर फोटो लेना मना है तो इसलिए बाहर से मंदिर का शयन आरती की तैयारी हो रही है। और ये बाहर का दृश्य है, बगल में कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करके जोशीमठ के तरफ रवाना हो रहे हैं, जहाँ पे आज नाइट स्टे लेंगे।
को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बाय बाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।